हेलो बालकू, आज हम जानेंगे अमृतसर चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है हाइड्रोनियम आयन? पेपर में काहे ज्यादा पूछ रहे हैं आजकल टीचर लोग, हम बताता हूँ तुमको। तो बालक, पेपर में आएगा कौन सा? हाइड्रोनियम आयन। ठीक, तो क्या करना, जब अम्ल को जल में डाला जाता है, ऐसे ना लिखना, जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। कैसे? मान लीजिए बेटा आपके पास ये H2O है और इसमें आप डाल दिए HCl, पानी में धड़ाधड़ टूटे तो बना क्या? H3O+, Cl- बाहर। अब ये जो बन के आया H3O+, यहाँ ना लिखना, मैं तुमको दिखा रहा हूँ ये चीज़, ये बन के आई ना वहाँ पर, इसका नाम बेटा क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या है बेटा? और बेटा यह बताता है कि जल में अम्ल को घोला गया है। यह सिद्ध करता है कि जल, अम्ल जल में H+ आयन देता है। तो हाइड्रोनियम आयन समझे कि नहीं समझे? मतलब जब अम्ल को जल में घोला जाता है, तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। समझे? इसका सूत्र जो है आपके सामने है, H3O+। समझ गए? बिल्कुल। तो ये था आपका हाइड्रोनियम आयन। एग्जांपल ऐसे दिखा देंगे टीचर को, यहाँ लिख देंगे जलीय। क्या लिख देंगे? जलीय। यहाँ पर भी लिख देंगे जलीय। क्या लिख देंगे? जलीय। नीचे पापा पूछा गया, दो नंबर पूछा था, लिख देना आप, मजा आ जाएगा आपको। मिलेंगे नेक्स्ट मिनट। टाटा बाय।